हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी ट्रैकर में देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी परीक्षा वानी वाली जो जीके बुक वाइज सीरीज़ चल रही है उसका आज हम अगले अध्याय को कवर करने वाले हैं फाइनली जो बड़ा चैप्टर था उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व तो वो खत्म हुआ आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के जो प्रमुख वैज्ञानिक जो प्रौद्योगिकी हैं उनकी स्थापना उनकी स्थान उनकी बात करेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण मापतोल प्रणालियां हैं उनके बारे में भी हम यहां पे जानेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए केवल दो चैप्टर इसके बाद बचते हैं एक सौर्य परंपरा वाला चैप्टर बचता है जिसके अंदर खेल सभी खिलाड़ी आ जाते हैं और उसके बाद आती है समसमायकी तो केवल दो चैप्टर बचे हैं उनकी दो या तीन वीडियोज़ आएंगी समसमायकी की एक कम्प्लीट वीडियो आएगी ठीक है केवल दो चैप्टर बचते हैं उसके बाद आपकी ये पूरी सीरीज़ कवर हो जाएगी और जिसको भी इसकी पीडीएफ नहीं मिली है जो भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर परीक्षावाणी वाली सीरीज का अध्याय दस नहीं है ग्यारह नहीं है बारह नहीं है मैं उन सबको कहना चाहता हूँ आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें आपको इसके कंप्लीट पीडीएफ मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी मैं डालूंगा ठीक है आपको बस शेयर करना है आपको अपनी फीस उस तरीके से देनी है केवल शेयर करके ठीक है ना पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी बस आपको पेमेंट कैसे करना है शेयर करके लाइक करके कॉमेंट करके चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं और उनके स्थापित वर्ष हैं उनकी बात करेंगे इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछे जा चुके हैं देखिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद परिषद इसकी स्थापना कब की गई तो ये स्थापित हुआ इक्कीस फरवरी 2005 को और ये पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है आपको डेट उतनी याद ना रहे तो चलेगा लेकिन आपको साल याद होना चाहिए और ये स्थित कहाँ ये देहरादून में है ठीक है तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी इसके अलावा हमारा एक और संगठन है एक और संस्था है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ये 2006 में स्थापित किया गया और प्रौद्योगिकी परिषद वो 2005 में आई ठीक है परिषद से पाँच आप ऐसे में आ सकते हो कि पासे 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 पाँच से परिषद पाँच से पाँच ठीक है अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं यूसैक उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसकी स्थापना 2005 में की गई थी ये भी कहाँ स्थापित है ये दोनों के दोनों ये जो अभी हमने तीन पढ़े शुरुआत से ये तीनों के तीनों देहरादून में हैं ठीक है तो कई बार प्रश्न बनता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है ये हमारा देहरादून में है और दो में इसकी स्थापना की गई थी अब कुछ योजना है एक योजना है जैसे आरोही परियोजना आरोही परियोजना का संबंध था कंप्यूटर शिक्षा से और इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2002 में राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया तो राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया 2001 को ठीक है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब की गई तो देखिए अभी आपको साल याद रखना है इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पोर्टल है वहां पे लेके चलूंगा और फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट स्थान है वहां पे ठीक है तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2009 से ठीक है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का शिलान्यास कब हुआ तो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आपको पता है हरिद्वार में है और इसका जो शिलान्यास हुआ 25 फरवरी 2009 में इसका शिलान्यास हुआ था ठीक है पतंजलि से रिलेटेड एक प्रश्न पहले ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पतंजलि को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था ठीक है ना जो पतंजलि योगपीठ है तो कब मिला था तो आई थिंक दो में मिला था ठीक है पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कहाँ से की गई कब की गई तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण मित्र योजना ये 2006 में शुरू की गई थी और अगर पूछेगा लोकेशन तो ये श्रीनगर से शुरू की गई थी ठीक है ना पौड़ी से मसूरी नगर पालिका द्वारा वाहनों पर इको टैक्स कब लगाया गया तो देखिए मसूरी नगर पालिका ने वाहनों पर इको टैक्स लगाया है और डेट पूछी जाती है कब से इन्होंने लेना शुरू किया है तो डेट सही था आपको याद रखना है 21 सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका ने वाहनों पर कौन सा टैक्स लगाया है इको टैक्स अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ गंगा से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष की गंगा के लिए क्या क्या कार्य किए गए कौन कौन से वर्ष में किए गए ठीक है सबसे पहले बात आती है गंगा एक्शन प्लान की यानी कि गैप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो गंगा एक्शन प्लान ये शुरू हुआ 14 जून 1985 में ठीक है और इसको किसने शुरू किया उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाराणसी से अगर आपको प्रश्न बने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कहाँ से हुई वाराणसी से किसने करी राजीव गांधी ने और कब करी उन्नीस में गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो देखिए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई ये इसके गठन कब किया गया तो जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है इसका गठन 2008 में किया गया स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई तो स्वच्छ गंगा मिशन ये 2009 से शुरू किया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके बाद है स्पर्श गंगा अभियान ये पेपर में पूछा जा चुका है अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे कुछ एक डेढ़ महीने पहले या एक महीने पहले ही उसमें भी ये पूछा गया था कि स्पर्श गंगा अभियान कहाँ हुआ था या कब शुरू हुआ था ठीक है तो सत्रह दिसंबर 2009 से स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी ये आपको याद रखना है फैक्ट के साथ पूरी डेट के साथ ठीक है और इसीलिए 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस तो पेपर में यह भी पूछा जाता है पहले तो यही हो गया स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू हुआ 2009 हजार नौ सत्रह दिसंबर से दूसरा प्रश्न बनता है डायरेक्ट कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है तो सत्रह दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है अगला है हमारा नमामि गंगे अभियान थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ठीक है चलिए इसको कन्फ्यूज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं गंगा नमामि गंगे अभियान की शुरुआत जो आपको बुक्स में मिलेंगे ज़्यादातर बुक्स में वो आपको यही मिल रही है कि 7 जुलाई 2016 को हुई थी लेकिन अभी हाल ही में पुलिस रैंकर्स भर्ती के अंदर आयोग ने इस प्रश्न को डाला था और इसका आंसर माना 2014 ठीक है हालांकि नेट पे विकिपीडिया गूगल हर जगह 2014 ही इसकी शुरुआत मानी गई है ठीक है लेकिन ऑप्शन में जो पुलिस रैंकर भर्ती आई थी उसके जो ऑप्शन थे उसमें दो नहीं था तो अभी आप दो को मान के चलें इसको ना माने लेकिन अगर कभी बाइचांस दो ऑप्शन में ना आए तो फिर आपको उसको ध्यान रखना है अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आप दो को आंसर करें क्योंकि आयोग ने अभी इसी को आंसर माना है ठीक है 2014 को भू अभिलेखों के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो भू अभिलेखों के रक्षण के लिए या उनको संग्रहित करने के लिए बनाया गया है तो वह सॉफ्टवेयर का नाम है देव भूमि स्वान परियोजना हेतु समझौता किया गया देखिए स्वान परियोजना तो यहाँ से क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपने कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के बारे में पढ़ा होगा लैन के बारे में वैन के बारे में ठीक है ना और मैन के बारे में लैन वैन मैन तो ये जो वैन है ना वाइड एरिया नेटवर्क वही है ये वाइड बस एस लगा दिया आगे जिसका मतलब हो गया इस स्टेट इस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके लिए समझौता किया गया राज्य सरकार और बीएसएनएल के मध्य में ठीक है नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं देने हेतु कौन सी पोर्टल शुरू की गई तो एक सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं देने के लिए एक पोर्टल राज्य सरकार ने शुरू किया अर्बन पोर्टल के नाम से सिंगल विंडो का मतलब यह हो गया कि जैसे कि अगर आपको अपना कुछ भी काम कराना है तो आपको अलग अलग दस जगह नहीं जाना पड़ेगा एक ही जगह पर जाके आपका सारा काम वहाँ पे हो जाएगा ठीक है ना तो ये व्यवस्था यहाँ पे दी गई किस पोर्टल के माध्यम से अर्बन पोर्टल के माध्यम से अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं और उनकी जो स्थान है उनकी बात कर लेते हैं देखिए जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है ये कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है ठीक है ना? कहाँ स्थित है ये कटारमल अल्मोड़ा में राज्य में पहला आयुष ग्राम कहाँ स्थापित किया गया तो राज्य का जो पहला आयुष ग्राम था ये भवाली में नैनीताल में इसको स्थापना की गई थी ठीक है हरमिटेज भवन कहाँ स्थित है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है हरमिटेज भवन ये नैनीताल में है ठीक है ना हरमिटेज भवन कहाँ है नैनीताल में अगला है एच द्वारा आई अकादमी की स्थापना कब की गई तो देखिए एच ने आई अकादमी खोली नरेंद्र नगर टिहरी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी कहाँ है तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही राज्य सरकार के साथ समझौता किया था जो आरोही परियोजना यहां पे चली थी ठीक है ना तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अकादमी ये देहरादून के अंदर है पेपर में प्रश्न बन चुका है ठीक है ना कि माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ है यह देहरादून के अंदर है ठीक है अगला है विज्ञान धाम यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो विज्ञान धाम देहरादून के झाझरा में स्थित है ठीक है अगला है अब यहाँ से हम कुछ मापतौल प्रणालियाँ हैं उनको यहाँ पे देखते हुए चलते हैं ताकि हमको ये याद रहे हमारे एग्ज़ाम के लिए देखिए सबसे छोटी क्या है यहाँ पे एक मुट्ठी बराबर कितना ग्राम होता है साढ़े बासठ ग्राम आपको याद रखना है क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न बन चुका है कि एक नाली बराबर कितने वर्ग किलोमीटर ज़मीन होती है इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है एक मुठ्ठी बराबर साढ़े ग्राम आठ मुठ्ठी बराबर एक शेर एक शेर मतलब कितना हो गया पाँच ग्राम तो ये आपको ध्यान रखना है एक शेर मतलब आधा के ठीक है ना हाफ के उसके बाद दो शेर मिलाएंगे तो एक कूड़ी बन जाएगी दो शेर आपको पता है एक शेर आधा किलो का है तो दो शेर एक किलो को होंगे ठीक है तो एक किलो को क्या बोलते हैं कूड़ी बोलते हैं तो दो कूड़ी जो मिला दें तो फिर एक पाथा बन जाएगा और पाथे और दो कुड़ी मतलब दो के जी है ना तो दो के जी का होता है एक पाथा कई बार प्रश्न बन जाता है क्योंकि आपको पता है पाथा उत्तराखंड के अंदर किसने चलवाया था अजय पाल ने चलवाया था ना अजय पाल का धर्म पाथा जिसको बोला जाता है तो पूछा जाता है कि जो पाथा होता था उसका वजन कितना होता है तो वजन होता है दो के जी ठीक है उसके बाद जो अगर हम आठ पाथाओं को मिला दें यानी कि सोलह किलो को हम क्या बोलते हैं सोलह किलो को हम एक डाल बोलते हैं और बत्तीस किलो को हम बोलते हैं एक दूण तो ये आपको याद रखना है ठीक है मापन प्रणाली की ये जो जो भी ये हैं ठीक है थीके? इसके बाद अन्य मापन प्रणाली की बात करें तो 20 कूड़ी यानी कि 20 किलो का मतलब होता है एक विशत ठीक है 20 पाथ है यानी कि 40 किलो 40 किलो के लिए बोला जाता है एक मण आपको पूछा जा सकता है एक मण में कितने किलो होते हैं तो 40 किलो होते हैं और 20 दूण यानी कि 640 केजी और 640 केजी को एक खार बोला जाता है राज्य के अंदर ठीक है अब धातु से रिलेटेड कुछ मापन प्रणालियां हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि आठ रत्ती बराबर कितना होता है एक मासा होता है अब अगर बात करें रत्ती की कि ये ग्राम में कितना होता है तो आठ एक रत्ती की वैल्यू होती है लगभग जीरो पॉइंट वन टू ग्राम के बराबर यानी कि एक ग्राम भी पूरा नहीं होता है ठीक है ना जीरो ग्राम आप इसको मान सकते हो जीरो ठीक है ना तो ये एक रत्ती है तो आठ रत्ती बराबर एक मासा यानी कि लगभग लगभग एक ग्राम के करीब होगा एक मासा ठीक है ना जीरो पॉइंट नाइन सिक्स करके मान सकते हो आप बारह मासा बराबर एक तोला आपको पता है एक तोला किसको माना जाता है जो स्टैंडर्ड है वो 10 दस ग्राम को माना जाता है ठीक है ना तो वही हमने बात करी बारह मासा बराबर हमने बात करी जीरो पॉइंट नाइन सिक्स तो ये कितना हो गया एक तोला हो गया एक तोला को स्टैंडर्ड दस ग्राम माना जाता है लेकिन एक्चुअल में एक तोला होता है लगभग ग्यारह दशमलव छियासठ ग्राम का ठीक है उसके बाद पाँच तोला मिलाकर कितना बन जाता है एक पल बन जाता है बीस पल बराबर एक टका और बारह टका बराबर एक सवा शेर यहाँ पे बन जाता है ठीक है अब कुछ द्रव्य मापन प्रणालियां हैं उनको यहाँ पे देखते हैं आपको पूछा जा सकता है कि 250 ग्राम को क्या कहा जाता है एक तामी ठीक है एक तामी बराबर 250 ग्राम और दो तामी बराबर यानी कि 500 ग्राम और 500 ग्राम यानी कि आधा के और ऊपर हमने पढ़ा आधा के को हम शेर कहते हैं लंबाई मापन की बात करें तो एक नाली बराबर में कितनी मुट्ठी होती है सोलह मुट्ठी होती है एक नाली के अंदर और ढाई नाली में बन जाता है आपका एक बीघा तो प्रश्न बन जाता है एक बीघा में कितनी मुट्ठी होती है तो चालीस होती हैं ठीक है ना टोटल कितनी होती हैं चालीस होती हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड वाइज सीरीज़ का हमारा अगला चैप्टर अध्याय उन्नीसवाँ जिसके अंदर हमने उत्तराखंड के जो हमारे मापतोर प्रणालियां हैं जो हमारी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है उनके संस्थान स्थापना वो सब हमने यहाँ पे देखा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें ठीक है पहले अपनी फीस दें उसके बाद आपको ये मिल जाएगी इसकी पी डी एफ आपको लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है उसके बाद आप ये कंप्लीट पी डी एफ मैं आपको ज़रूर दूंगा मैंने आपको कहा है और जिस पी डी एफ के लिए मैंने आपको कहा है कि इसको मैं दूंगा तो मैंने हंड्रेड परसेंट दी है चाहे वो इक्कीस सौ क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज़ हो चाहे वो पवार वंश हो चंद्र वंश हो चाहे वो कोई भी पी डी एफ हो सभी आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं तो जिन जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने जिस भी पी के लिए कहा है वो मैंने दी है ठीक है तो ये भी आपको मिलेगी कंपाइल करके मैं पूरी पी आपको दूंगा नोट्स की जो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगी तो आपको बस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है कमेंट करना है थैंक यू फ्रेंड्स